यार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गीता कॉलोनी में है और आज मन की बात का 113वां एपिसोड है जिसको लोगों ने देखा सुना। आखिरकार क्या कुछ खास था उसमें, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम दीपक गावा है। दीपक जी, आज 113वां मन की बात, प्रधानमंत्री की बात, उनके मन की बात, शांति से बैठ के वो बात करते हैं आपसे, क्या बात किया? आज उन्होंने बताया अलग अलग विषयों के बारे में। जैसे उन्होंने IIT मद्रास जो है उसके स्टूडेंट्स जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करी और ऊपर से जो उन्होंने फोटो खींचने का जो सिस्टम बनाया और जिससे बहुत ही क्लियर फोटोग्राफ्स जो आती थी उस पर रिसर्च करी, स्टार्टअप के बारे में बात करी। उन्होंने जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट के ऊपर कुछ लोगों ने जो इको कारीगरी जो है उसके विषय में बताया, अनेक विषयों के बारे में उन्होंने बताया। एक असम के तिनसुकिया में एक जानवर है जिसकी वहाँ के लोग बहुत ही सेवा करते हैं, जिनको बहुत ध्यान रखते हैं, उनका ध्यान रखते हुए वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके विषय में जो देश में और अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, जो नई चीज़ें हैं, स्टार्टअप्स है, जो नया काम देश के अंदर हो रहा है उसके विषय में आज उन्होंने अपने 113वें संस्करण में हम सबके बीच में अपने मन की बात रखी। आपने क्या सुना? जो हमारे बड़े भाई ने सब कुछ बताया है मोदी जी के मन की बात के बारे में। मोदी जो आजकल चल रहा है झुग्गियों का, कि झुग्गियों के हमें सारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अपना बनाना है, क्योंकि ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये वोट सारे आम आदमी पार्टी को जाते हैं, इसलिए हम सारा झुग्गियों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़े नेता हैं सर। सर, आज मन की बात 113वां एपिसोड कैसा लगा? देखिए, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन था। भारत के प्रधानमंत्री जो नई बात हमें बताई, किस तरह स्पेस के अंदर भी काम करने वाले लोग देश के प्रति जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्टार्टअप के माध्यम से कुछ नौजवानों का समूह देश के प्रति इतनी बड़ी सेवाएं दे रहा, हमें पता तक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज फिर से उन जानकारियों को दिया जो भारतवासियों के लिए बहुत जरूरी है, वो अद्भुत कर देने वाली जानकारियां। मैं भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। सबका सौभाग्य है कि हमें देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ यहां पे वो प्रोग्राम देखने का अवसर मिला। क्या कुछ इससे सीखने को मिला यहां के लोगों? देखिए, मोदी जी के तो जब भी प्रोग्राम होता है उससे सीखने को मिलता है, और फिर जब लोगों के बीच में बैठ कर देखते हैं तो और ज्यादा सीखने को मिलता है। आज हमें एक बात पता चलती है कि गली का बच्चा भी जो है, जो हमारा देश का आने वाला भविष्य है, वो कितनी बारीकी से प्रधानमंत्री जी के इस भाव को समझता है, सुनने में अपनी रुचि रखता है। ये बदलता भारत है, ये सोच जो दिखती है सड़क पर आकर, ये आप अपने ड्राइंग रूम के एसी में बैठकर नहीं जान सकते। यहाँ मौजूद और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपने मन की बात सुनी, क्या सुनने को मिला और क्या सीखने को मिला? देखिए, बहुत सारी चीजें सुनने और सीखने के लिए मिली। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है इंडियन स्पेस डे है और संस्कृत दिवस है, इन दोनों बातों में ये पता चला कि IIT मद्रास के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया और उसमें उन्होंने क्या हाइपरलूप करके एक आविष्कार किया जिसमें कि अंधेरे में भी उसे देख सकते हैं, तो सैटेलाइट इमेजरी बेहतर होगी, 300 और 1/10 ऑफ कॉस्ट है, तो इसको मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया पे उसने किया। इसके बाद उन्होंने पोषण अभियान की बात की, जहाँ पर है पढ़ाई भी हो और पोषण भी हो, बच्चों के विशेष पोषण पर उन्होंने कहा ध्यान दिया जाए, और उसके बाद फिटनेस इंडिया के बारे में, मिलेट्स के बारे में बात की। तो इस तरह की ऐसी बात की जो हर समाज में अपने आप भी कर सकते हैं, और जो कुछ एग्जाम्पलरी चीजों के नए युग की तरह, नए युग के आविष्कार जो है कि आगे आने वाला समय विकसित भारत 2047 की, उसकी उन्होंने बात की। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आज के 113वें मन की बात में आपने क्या सुना? मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए सब जनता को कि गरीब झुग्गी बस्तियों में जो रोजगार कैसे मिले, प्लास्टिक से निकली खिलौने बना के बच्चों को वितरण कराए जाए, मतलब मोदी जी की योजना है सब देश के अंदर गरीबी दूर हो, और विपक्ष को कहने का मौका मिलता है तो विपक्ष कहता रहता है, इसलिए मोदी जी के साथ जनता है। अरे, मोदी जो काम कर रहे हैं देश के हित में, देश में काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में मोदी जी जय जयकार है। तो यहाँ आपने देखा कि जो आज का जो 113वां मन की बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने उसमें कहा है कि नए युग जो नया भारत बन रहा है उसको लेकर कैसे कैसे नए आविष्कार हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बात करी और लोगों को समझाया कि आखिरकार अब जो भारत है वो काफी बदल रहा है और इसको बदलने में आपका सहयोग चाहिए। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.